नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिव्यम आप देख रहे हैं एनसीईआरटी गुरुजी और यह है क्लास टेन साइंस चैप्टर वन पार्ट फोर और आज हम पढ़ेंगे वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री रिएक्शन अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके उसे देख लें तो यह है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें एक्टिविटी है 1.9 टेक थ्री आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर आपको तीन आयरन की कील लेनी है और उसे साफ़ करना है सैंड पेपर से टेक टू टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट टेन एम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है ये ब्लू कलर वाली और दोनों को मार्क करना है ए और बी से टाई टू आर नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब बी में दो कीलों को इस तरह से बांध के और लटका के रखना है बीस मिनट तक कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन और जो तीन आयरन नेल आपने लिया था उसमें से एक आपको बाहर रखना है कंपेयर करने के लिए आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और उसके बाद आप 20 मिनट बाद इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लें और उसके बाद जो हमारा टे, टेस्ट ट्यूब ए जो हमने रखा हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब बी से कंपेयर करके देखें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का के कलर में जो कुछ भी चेंज हुआ है उसे आप कंपेयर करके देखें ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिब्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड और जो तीन आयरन नेल्स हमने लिए थे उनमें उनसे ये दो आयरन नेल्स को कंपेयर करके देखें कि क्या कलर चेंज हुआ है तो ये देखिए ये जो आयरन नेल आप देख रहे हैं ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाली गई है और ये वो आयरन नेल है जो हमने बाहर कंपैरिजन के लिए रखा था और ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब सॉरी ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है इसमें हमने आयरन नेल्स को डाला था जिससे इसका कलर चेंज हुआ है और ये टेस्ट ट्यूब ए है जिसे हमने कंपैरिजन के लिए रखा था तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी का कलर जो है वो चेंज कर गया है और टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है वो अभी वही है और यहाँ आयरन नेल्स का कलर ये जो आयरन नेल हमने बाहर निकाला था ट्यूब बी से उसका कलर चेंज्ड है और ये नया वाला तो बिल्कुल आयरन की तरह दिख रहा है

तो यहाँ जो ये कुछ जो कुछ भी हुआ उसका जो रिएक्शन है वो यहाँ है ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वो रिएक्शन है तो आयरन को हमने डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जब कभी भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और कॉपर की जगह पे खुद यहाँ सल्फ़ेट सॉल्यूशन बन के बैठ जाएगा तो ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं वो आयरन सल्फेट सोल्यूशन का है ना कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कॉपर यहाँ नीचे आपको जमा दिखेगा ठीक है इन दिस रिएक्शन सॉरी कॉपर आपको जमा नहीं दिखेगा कॉपर ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर जमा हो जाएगा In this reaction iron has displaced और रिमूवड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्राम द कापर सल्फेट सोलूशन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम डिसप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं ये जो कॉपर को डिसप्लेस किया गया आयरन के द्वारा अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ और भी एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आप देख सकते हैं जैसे आप जिंक को डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यून में तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से वो कॉपर को बाहर निकाल देगा जिंक यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाएगा आप लीड को डालें कॉपर uh, क्लोराइड में तो यहाँ पे लीड जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को बाहर निकाल देगा और लीड क्लोराइड बना लेगा तो ये सारे जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर तो जिंक और लीड मोर रिएक्टिव हैं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है पूरी की पूरी लिस्ट होती है जिस कार जिससे हम डिसाइड करते हैं वो आप देखेंगे आगे चल के दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कम रिएक्टिव वाले को सोल्यूशन से बाहर निकाल सकता है तो वर्त अब आगे बढ़ते हैं 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें एक, एक एक्टिविटी है 1.10 टेक अबाउट 3 एम ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब में आपको तीन एम एल सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट थ्री एम एल ऑफ बेरियम क्लोराइड सोलूशन और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बी एस सी एल टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लीजिए और मिक्स द टू सोलूशन और दोनों को मिला के देखिए वॉट डू यू ऑब्जर्वर आपको क्या पता चलता है यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सब्सटांस विच इज इन सोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्मड आप अगर दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक उजला कलर का सब्सटांस जो कि पानी में नहीं घुलता और वैसे सब्सटांस को हम प्रेसिपिटेट करते हैं और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसे हम कहते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाता हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं ये जो रिएक्शन है यहां पर मिलाने के बाद यह रिएक्शन हो रही है तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एन जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये बी ए आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बना है और एन बना है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है कि दोनों चीज़ें पहले जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें कोई एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी जैसे हम आयरन डाल रहे थे कॉपर सल्फेट में तो आयरन सल्फेट बन रहा था और कॉपर बाहर निकल रहा था यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं जिस कारण ये डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है वाट कॉज दिस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कारण क्या है तो यहाँ पे कारण है दिस द वाइट प्रसिपिटेट ऑफ बी एस ओ फोर इज फॉर्म्ड बाय द रीज़ रिएक्शन ऑफ एस ओ फोर टू माइनस एंड बी ए टू प्लस ये आयन्स हैं ये आयन के एक्सचेंज के कारण रिएक्शन हो रही है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेंस इन द सोल्यूशन यहाँ पे एन एस सी एल बना है जो कि सोल्यूशन में ही रहेगा रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आय बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं तो ये एक एक्टिविटी है और यहाँ है 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो इसे देख लेते हैं एक्टिविटी 1.11 पॉइंट वन वन हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट वन ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एक चाइना डिश में ये जो बाउल टाइप का चीज़ आपको दिख रहा है ये चाइना डिश है और इसमें ब्राउन कलर का ये जो है कॉपर पाउडर है और इसको यहाँ पे रख के और इसे हीट करना है तो अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक हो जाएगा और ये ब्लैक क्यों होगा क्योंकि कॉपर जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है तो द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ठीक है वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड ये ब्लैक क्यों फॉर्म हुआ क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया तो यहाँ ये रिएक्शन है ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस ओ टू सी यू ओ बना रहा है इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल सी यू ओ और यहाँ जो इसने आपको आपने इसको हीट करके जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाया है अगर आप इसके ऊपर हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और आपका जो कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर था ब्राउन कलर का वो आप वापस पा सकते हैं if hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the copper turns brown as the reverse reaction take place and the copper is obtained. तो इस reaction को उलट सकते हैं आप इस reaction से और दोनों को ही गर्म करते हैं hydrogen pass करने समय हीट यहाँ पे किया जा रहा है जो जो एरो है उसके ऊपर लिखा गया है इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है लूज कर रहा हो तो उसे हम रिड्यूस उसे कहते हैं सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है मतलब है कॉपर जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है मतलब है कि कॉपर यहां पर रिड्यूस हो रहा है तो ऊपर वाले में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा लूजिंग ऑक्सीजन एंड बींग रिड्यूज तो ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बींग ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पा रहा है और एस टूओ बना रहा है जिस कारण वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेन गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूज ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो किसी भी रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा वन रिएक्टेंट गेट ऑक्स ठीक है ड्यूरिंग सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो साइमल्टेनियसली तो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो इसे पिक्चरल तरीके से दिखाया गया है आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ रिडक्शन तो सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कुछ और भी एक्जाम्पल है जहाँ पे सैमिलटेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसे देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो यहाँ पे जिंक रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं इन दिस इन रिएक्शन 1.31 1.31 ये है कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू सी ओ एंड जेडन ओ इज़ रिड्यूज तो जेडन ओ रिड्यूज हो रहा है रिड्यूज टू तो जेडन in reaction 1.31 HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO is reduced to MnCl2 तो एक oxidize हो रहा है एक reduce हो रहा है from the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized अगर कोई भी substance oxygen gain कर रहा हो और hydrogen lose कर रहा हो तो वैसे substance को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा हो और हाइड्रोजन गेन कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं तो हैव यू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक् रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ तो ये कुछ एवरीडे uh, लाइफ से एग्जाम्पल है क्रोजन का और रेंसिडिटी का तो यू हैव यू तो पढ़ते हैं यहाँ पे कोरोजन यू हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी वेन न्यू आपने देखा होगा कि जो नए आयरन की चीज़ें होती हैं वो नई वो शाइनी होती हैं बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर वन लेफ्ट फॉर सम टाइम और कुछ देर छोड़ देने के बाद वो रेडिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ऐसा क्रोजन के कारण होता है दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished इन दिस मैनर टार्निश कहते हैं उसके रंग बदलने को उसे ख़राब होने को तो हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर आपने देखा होगा कि कॉपर का कोई भी सब्सटेंस हो तो वो ग्रीन एक कोटिंग चढ़ा जाता है उसके ऊपर अगर आप बहुत दिन तक उसको यूज़ नहीं कीजिएगा और सिल्वर जो जो चा, जो चांदी होती है अगर वो पुरानी पुराना चांदी आपने देखा हो घर में तो ब्लैक कलर उसके ऊपर आ जाता है तो उसे साफ कराया जाता है when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. it uh, it is said to corrode and this process is known as corrosion. तो अगर किसी को मतलब किसी ऐसा metal हो उसपे अगर attack हो acid का, moisture का या फिर उसे बहुत दिन तक छोड़ दिया है तो ऐसे भी हो जाता है द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन तो कोरोजन के कुछ एग्जांपल हैं जो कॉपर uh, के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आता है और सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आता है वो कोरोजन के कुछ एग्जांपल हैं और कॉपर जो ये कोरोजन है वो क्या क्या चीज़ हमारे लिए uh, समस्याएँ पैदा करता है वो कोरोजन जो है वो हमारे कार के जो बॉडी हैं उसको ख़राब कर देता है जो हमारे पुल हैं ब्रिज है उनको ख़राब करता है आयरन आयरन रेलिंग को ख़राब करता है जो आयरन रेलिंग हमारे छत पर बने होते हैं उन्हें ख़राब करता है जो शिप्स जो जहाज़ हैं उनको ख़राब करता है और वैसे सभी चीज़ें जो मेटल से बनी हैं उनको ख़राब करता है स्पेशली जो आयरन से बनी चीज़ें हैं उनको ख़राब करता है कोरोजन रस्टिंग से आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं सरकार को हर साल

उस दिन अगर छोड़ दिया जाए कोई ऐसा सब्सटेंस जो फैट कंटेन करता हो या फिर ऑयल कंटेन करता हो तो वो कुछ अजीब तरह का स्मेल करने लगता है फाउल स्मेल करता है गंदा तरह का स्मेल करता है व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसीड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज तो अगर आप छोड़ देंगे फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वो रेंसिडिटी होने लगता है उसके साथ और यूजवली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटी आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स तो जैसे आप पोटैटो चिप्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे पोटैटो चिप्स में आप देखा होगा उसके जो पैकेट्स होते हैं जैसे लेज के पैकेट्स एक्सेट्रा और तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए जिस कारण वो वो ऑक्सीडाइज ना हो सके और एंसिडिटी से बच सके क्योंकि फूड का जो टेस्ट है वो बचा रहे कीपिंग फूड keeping food in airtight containers help to show slow down the oxidation do you know that the chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized to so, chips wale nitrogen bharte hain apne box mein chips to hota nahi aur yahan pe kuch questions hain कुछ को क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एक्सरसाइज शुरू हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एक्सरसाइज पर आपको वीडियो बना के दूँ तो आप नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को और ऐसे ही बने रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे आपका दिन शुभ हो